सिरोही में दो तरह के कानून है मुझे लगता है, एक कानून गरीब लोगों के लिए, सामान्य आदमी के लिए, और दूसरा कानून नेताजी के चेलों और चपाटों के लिए। गरीब आदमी का ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, अभी देवजी भाई बता रहे थे, उसको 1,30,000 रुपए का रसीद कटवानी पड़ती है। एक नहीं, ऐसे 10 उदाहरण आप ढूंढ सकते, और 10 उदाहरण सामने जो मैं बता सकता हूं जहां नेताजी का चेला पकड़ा गया, या तो नेताजी ने, या नेताजी के पुत्र का नाम भी मुझे तो उसी से पता लगा कि वो शिवी नाम के उनका पुत्र है, उनका टेलीफोन जाता है थाने में, या वो खुद थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर के ट्रैक्टर छुड़वा करके लाते हैं और बिना रसीद कटवाए लेकर के आते हैं। उसके वीडियो भी कभी आप लोगों ने, शायद मुझे लगता है कुछ लोगों ने साझा किए हैं, तो भविष्य में भी उसको ऐसे लोगों को उजागर करने की जिम्मेदारी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को सामने लाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते आप सब की भी है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की, और भ्रष्टाचार में तो रेत लगी हुई थी, अब की बार यहाँ पे विधायक हूँ, और एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी आपके यहाँ के माननीय नेता जी, जब भ्रष्टाचार के दौर में सारे विधायक दौड़ रहे थे तो नेताजी डबल इंजन की सरकार बनाकर के दौड़ रहे थे यहाँ पे। नेताजी के बेटे की एक जेब में पैसा जा रहा था, नेताजी के जेब में दूसरी जेब में पैसा जा रहा था, और रेस में जो है राजस्थान में एक नंबर पर अगर कोई आया तो वो शुरू बनाया, राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई बनाया तो वो शुरू वाला है। क्या सिरोही के लोग ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करेंगे? इस सिरोही की ऐतिहासिक धरती है, क्या ऐसे लोगों को दोबारा समझने देंगे? मैं एक बात पूछू, हमारे इतने सारे मातृशक्ति की माताओं बहना बुलाए और गांव में मुझे कुछ बैठे, मैं कह के आप आते धोखो वोट नहीं हो, वोट नहीं हो बोलो किसान ऐसा तो धोखे हुए, आप ब्याज माफ कर दो, आप है आप कर्जे माफ कर दो, धोखो करिए नहीं करिए, युवा हमारे साथ धोखो प्रयोग नहीं करियो, माता बहन हमारे साथ धोखो प्रयोग नहीं करियो। अब अगर एक बात पूछो आपने, आपने घर में रात और रसोई में दूध रखे हुए एक दो आप रखो भूल जाओ और आगे भी बंद करो और मेरी आगे दूध पी जाए हो जाए कभी इनका शरीर एक गंतु हो एक दिन दूध पीजा है और हिली हिली दिल्ली दूर से बाहर आए थे आप कर दिया तैयार आ गया और सिरे उन्होंने भाई घोड़ा मिले का एक्टिविटी वाला टैंक के प्रयोग भी कर लिया, हम तो थोड़े ध्यान राज दो, हम क्या हंसरा नहीं दो, हम क्या खड़ा नहीं दो। एक बात बताओ, एक आदमी कहेगा मैं तो निर्दलीय हूं, या निर्दलीय बन करके चुनाव लड़े और फिर बाद में जाकर के और कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिसके सलाहकार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, जिसके सलाहकार इतने बड़े झूठे हैं, जब राजा ने सलाहकार राजा के रूप उन लोग अपेक्षा हो सके तो हम लोग अशोक जी गलती नहीं, और सलाहकार रामदेव जी हम लोग को इलाज ऑफर के ले गए, तो आपकी बार में आप लोगों को एक चेतावनी दिया है।